फूडलवर चैनल पे सभी लोगों का वेलकम है। हाय, मैं हूँ प्रिया। आज का रेसिपी है चिकन एग सूप। चिकन एग सूप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पहले लिया है गाजर, और लगेगा 2 हरा मिर्च, और यहाँ पे है स्प्रिंग अनियन। और लगेगा कैप्सिकम। कैप्सिकम यहाँ पे मैंने एक छोटा साइज का लिया था। और यहाँ पे है बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न की जगह आप कॉर्न भी यूज कर सकते हैं। और लगेगा बीन्स और एक प्याज। यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छी तरीके से धो लिया है। अब एक प्रेशर कुकर में हम पहले देंगे रिफाइंड ऑयल, उसके बाद हम चिकन पीसेस ऐड कर देंगे, फिर इसमें हम हाफ नींबू को निचोड़ देंगे ताकि जो चिकन का जो बैड स्मेल है वो चला जाए। फिर इसमें हम देंगे 1 स्पून सोया सॉस और काले मिर्च पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ स्पून नमक यूज किया है। अब आपको जितना सूप चाहिए उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 5 कप पानी ऐड किया है। अब गैस ऑन करके इसको 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि चिकन अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को एक लाइक करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो जो है वो देख सके। 10 मिनट के बाद अब प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल के हम इसमें जो वेजिटेबल्स है उसको दे देंगे धीरे धीरे। सब्जी ऐड करने के टाइम आप गैस को थोड़ा सा स्टीम कर ले। चिकन सूप के ऊपर ये मेरा दूसरा वीडियो है। अगर आपको पहला वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसे इजी रेसिपी का लिंक बहुत सारा मिल जाएगा। अब एक कटोरी में पहले हम पानी लेंगे, उसमें हम दे देंगे कॉर्नफ्लावर। यहाँ पे मैंने 1 स्पून कॉर्नफ्लावर यूज किया है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब कॉर्नफ्लावर और पानी का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको अब हम दे देंगे अपने सूप में। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है और उसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। अब इसको हम दे देंगे सूप में। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब इसको सूप के अंदर डालेंगे तो आपको एक हाथ से इसको मिलाना है और एक हाथ से अंडा को इसके अंदर देना है। यहाँ पे मैंने एक ही अंडा यूज किया है। अगर आपको ज्यादा सूप बनाना है तो आप इसमें 2 अंडा भी यूज कर सकते हैं। अब सब चीजों को अच्छी तरीके से मिलाना है। मिलाने के बाद हम इसमें दे देंगे 1/2 स्पून नमक। फिर हम गैस का जो फ्लेम है उसको हाई करके 5 मिनट्स के लिए इसको कवर करके रख देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स हमारा सूप बनके रेडी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने सूप को एक कटोरी में निकाल लिया है। ये सूप बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस है। इस रेसिपी को जल्दी अपने घर पे ट्राई करें और मेरे साथ अपना ओपिनियन शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे।